नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिप्टो गुरुकुल में। मेरा नाम कार्तिक कंवर है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो लास्ट 24 घंटे का सबसे हॉट टॉपिक है कि रिपल की वैल्यू क्यों इतनी नीचे गई है, रिपल क्यों इतना डाउन गया है। लगभग 60% से ज़्यादा उसकी वैल्यू नीचे जा चुकी है और बहुत लोग परेशान है जिनकी होल्डिंग्स और जिनका पोर्टफोलियो रिपल का है, और वो घबरा चुके हैं कि इतना ज़्यादा उनका डाउन जा चुका है उसकी वैल्यू। और इसकी घबराहट में कई लोग तो ये तक सोच बैठे हैं कि रिपल अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है या ऐसा कुछ उनके माइंड में चीजें आ रही हैं। दोस्तों इसको थोड़ा और समझेंगे। मैं चाहूंगा पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरी वीडियोस आपको लगातार मिलते हैं। जो दोस्तों खबर ये आ रही है कि जो रिपल है उसकी वैल्यू डाउन जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो अमेरिकन एक संस्था है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उसने रिपल के अगेंस्ट $1.3 बिलियन का एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी ऑफरिंग का एक केस डाला है। उनका कहना है कि रिपल एक सिक्योरिटी है ना कि एक क्रिप्टो करेंसी है, और इतने इन्होंने अनऑथराइज्ड सिक्योरिटी $1.3 बिलियन की ऑफरिंग की है जिसके अगेंस्ट उन्होंने उसके अगेंस्ट रिपल के अगेंस्ट केस डाला है। रिपल के जो फाउंडर हैं जॉर्ज लिंगहाउस, उन्होंने उनको रिप्लाई ये किया है कि रिपल 2013 से अब तक मार्केट में है, आपने अभी तक क्यों नहीं केस डाला था। और रिपल जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे कि जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में जहाँ पे रिपल को एज ए क्रिप्टो करेंसी माना जाता है, आप उसको अब सिक्योरिटी बोल रहे हैं और आप इतने टाइम से आपने इस चीज के अगेंस्ट क्यों नहीं बोला, अब अचानक से उठ के आगे बोल रहे हैं कि ये एक सिक्योरिटी है, ये एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है। और उन्होंने इसके ऊपर जो SEC ने केस डाला है उसकी न्यूज के कारण जो नेगेटिविटी मार्केट में फैली है, रिपल बहुत ज्यादा ही उसकी वैल्यू डाउन गई है और आने वाले टाइम में डाउन जाएगी, ऑलमोस्ट 0.25 तक भी जाएगी, हो सकता है थोड़ा नीचे भी जाए। और अब जो कुछ दो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने रिपल को डीलिस्ट भी कर दिया है और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ एक्सचेंजेस डीलिस्ट भी करें। पर मेरा सजेशन यही है दोस्तों, रिपल अभी इस केस के अगेंस्ट फाइट कर रहा है और वो अभी फाइट कर रहा है और इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा जब जवाब देने में, उसको प्रॉपर केस को फाइट करने में, तो डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट में डेफिनेटली पड़ेगा इम्पैक्ट। और जिनके पास ये होल्डिंग है वो समझदारी रखें, और समझदारी ये भी हो सकती है कि आप इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखें, और अगर आप अभी बेचेंगे तो वो आपकी सोच है, आपका डिसीजन है, उसमें मैं आपको कोई सजेशन नहीं देना चाहूंगा। मैं आपको बस ये बोल सकता हूं कि अगर मैं होता तो मैं इसको थोड़ी देर होल्ड करता और मैं कुछ टाइम होल्ड करके आगे इसको भी देता, क्योंकि आने वाले टाइम में जो लगता है कि ये ऊपर उठेगा फिर से, क्योंकि अभी इनका जो केस चल रहा है ये केस रिजॉल्व होगा और धीरे धीरे करके ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी। तो अभी ट्रेडेबल रहेगा नहीं ट्रेडेबल रहेगा, ये सारी चीजों के आंसर अभी आने वाले टाइम में मिलेंगे जैसे जैसे चीजें खुल के आएंगी। अभी जो खबर ये आ रही है कि जो SEC ने जो केस करा है उसकी नेगेटिविटी, उसकी जो न्यूज के कारण ये सारी चीजें रिपल की वैल्यू डाउन गई है और अभी रिपल की वैल्यू 0.25 या हो सकता है उससे नीचे भी जा सकती है। तो दोस्तों बाकी और कोई क्वेश्चन है, आपको कोई भी कंसर्न है आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। मेरे चैनल का पर्पस सिर्फ आपको एजुकेशन देना है और आपसे न्यूज शेयर करना है जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती है सोर्सेज के थ्रू। ठीक है दोस्तों, और कोई आपको जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। मैं आपको आई विल टेक योर लीव एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।